तो वेलकम बैक जनाब इन डूम कोडिंग चैनल। हमारे CSS कोर्स के अंतर्गत आज है लेक्चर नंबर 11 और जनाब आज के दिन हम लोग सीखने वाले हैं मार्जिन प्रॉपर्टी के बारे में। अभी मार्जिन प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको कैसे CSS के अंदर अप्लाई करते हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। वेलकम बैक, आज हम लोग सीखने वाले हैं मार्जिन प्रॉपर्टी के बारे में। जनाब मार्जिन प्रॉपर्टी करती क्या है, दो बॉर्डर्स के बीच में गैप बनाती है। और आज से पहले जो आपको लेक्चर मिला था लेक्चर नंबर 10, उसमें मैंने बताया था पैडिंग प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। तो पैडिंग प्रॉपर्टी ये होती है कि जैसे कि ये टेक्स्ट लिखा है और ये उसका बॉर्डर है, जो डिव टैग के अंदर ये बॉर्डर मैंने बनाया हुआ है, तो ये टेक्स्ट और इसके बीच में जो गैप है ये आपकी पैडिंग है, ठीक है। तो पैडिंग और मार्जिन में बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, पर इस चैनल पे अगर आप आए हो तो कन्फ्यूजन तो कहीं होने ही नहीं है, ये मेरी गारंटी है। मैं आपको एक एक चीज़ें समझाने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको ड्रॉ करके कुछ चीज़ें यहाँ पे हाईलाइट करके समझाना चाहूँगा, फिर मैं आपको कोड करके वो चीज़ें समझाऊँगा, जिससे आपका डाउट ज़िंदगी में कभी भी नहीं रहेगा। अब मान लो मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए एग्जांपल ले लेता हूँ कि पैडिंग आप जान चुके हो क्या होती है और मार्जिन आपको जानना है। तो मार्जिन अगर मैं आपको पैडिंग में डिफरेंस यहाँ पे बता दूँ मार्जिन और पैडिंग में, वो फिर से तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाओगे। तो कल की वीडियो में मैंने आपको पैडिंग बताया था, आज मैं फिर से आपको पैडिंग थोड़ा सा समझाऊंगा क्या होता है। मान लो ये मैंने डिव टैग बनाया, ठीक, जिसके अंदर एक पैराग्राफ है, ओके। फिर मुझको यहाँ पे आपसे सिर्फ थोड़ा टाइम चाहिए होता है, मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर रहा होता हूँ, तो आप ये मत सोचना वीडियो लंबी कर रहे हैं, ड्रॉ करने में टाइम लगता है। ये आपका एक बॉर्डर बन गया डिव टैग का, ठीक है। अब क्या है, इसके अंदर आपने ये जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ में मान लो आपने कुछ भी टेक्स्ट लिखा, मान लो मैं अपना यहाँ पे नाम लिख देता हूँ शुभम पांडे, ठीक है, ये मैंने नाम लिख दिया पैराग्राफ में, ठीक है। तो ये जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर क्या चीज़ है, ये बॉर्डर जो है, ये चीज़ जो बॉर्डर है, ये हमारा डिव टैग है, ठीक है। और ये जो अंदर लिखा हुआ है टेक्स्ट, ये आपका पैराग्राफ टैग है, ठीक है। तो अब समझते हैं इसमें पैडिंग क्या होती है। तो पैडिंग समझने के लिए अपने कलर को यहाँ पे कर लेते हैं चेंज, ठीक है। तो ये मैं मान लो यहाँ पे ब्लू कलर से आपको समझाता हूँ, ठीक। अब ये जो पैराग्राफ लिखा है और ये जो बॉर्डर है डिव टैग का, ये मैंने यहाँ पे ये जो ये दूरी होती है, ये दूरी, और ये जो नीचे से ये दूरी होती है, मतलब ये कंटेंट की जो दूरी होती है बॉर्डर से, ये आपकी पैडिंग कहलाती है। जो ब्लू कलर से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपकी पैडिंग है। तो ये जो बीच में कंटेंट लिखा है, इसके ऊपर नीचे दाएं बाएं, मतलब अपने जो डिव टैग है, डिव टैग का जो बॉर्डर है, उससे जो दूरी होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, पैडिंग कहलाएगी, ठीक है। चलिए इतना आपको समझ में आया जो मैंने कल की वीडियो में आपको समझाया था, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। आप समझते हैं मार्जिन क्या होगी। मार्जिन समझने से पहले यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि मान लो एक टैग और है हमारे पास, जैसे कि एक ये डिव टैग है, उसके अंदर पैराग्राफ टैग है और ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अब मैं यहाँ पे एक और डिव टैग बना लूँ, ठीक, ये दूसरा डिव टैग है, इसके अंदर भी एक पैराग्राफ टैग है, ठीक है, और इसका भी अपना एक बॉर्डर होगा। जब इसका बॉर्डर है तो इसका भी एक अपना बॉर्डर होगा, तो चलिए इसका भी बॉर्डर बनाना पड़ेगा। तो मान लो मैं यहाँ से बॉर्डर बनाने की शुरुआत करता हूँ, आई होप ये बिल्कुल सही, अब परफेक्ट ये बन गया, ठीक। तो अब ये देखो दो बॉर्डर हो गए, एक ऊपर वाला बॉर्डर हो गया ये, और एक ये नीचे वाला बॉर्डर हो गया ये। इसमें भी पैराग्राफ है, मान लो ये मैंने अपना नाम लिख दिया यहाँ पे शुभम पांडे, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझते हैं कि आपको पैडिंग तो समझ में आ गई, पर मार्जिन क्या होती है। तो मार्जिन समझने के लिए यहाँ पे मान लो मैं कलर को थोड़ा सा चेंज करूँगा, ये जो दो बॉर्डर हैं इनके बीच में ये जो यहाँ पे ये गैप होना चाहिए, मतलब इन दोनों के बीच में थोड़ा गैप होना चाहिए, ये आपकी कहलाएगी मार्जिन, ठीक है। मार्जिन एक कंटेंट और बॉर्डर के बीच की दूरी कहलाती है पैडिंग, और दो बॉर्डर के बीच में जो गैप होता है वो कहलाता है मार्जिन, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि आपके बॉर्डर, यहाँ पे कलर को चेंज कर लेता हूँ, बॉर्डर और कंटेंट के बीच की दूरी कहलाती है पैडिंग। पर जब मान लो हमारे पास दो टैग हैं तो दोनों के अपने अपने बॉर्डर होंगे, मान लो दो टैग हैं तो फिर दो बॉर्डर होंगे, तो फिर यहां पे जनाब दो बॉर्डर के बीच की दूरी, एक बॉर्डर और दूसरे बॉर्डर के बीच में जो गैप होगा वो कहलाएगा आपकी मार्जिन, ठीक है।
वो कहलाएगा आपकी मार्जिन। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको मार्जिन दिखाता हूँ कि कैसे मार्जिन बनती है। तो मैं इसको नीचे जो ये लिखा है इसको रफ कर देता हूँ। अब देखो दो हमारे पास ब्रैकेट हैं, ठीक है, दो ब्रैकेट नहीं बोलेंगे, दो बॉर्डर हैं, ठीक है, बॉर्डर नंबर वन और बॉर्डर नंबर टू, ठीक है। तो ये जो बॉर्डर नंबर वन है ये हमारा डिव वन का है, ठीक है, डिव वन का है, ठीक है, और ये बॉर्डर नंबर टू ये डिव टू का है, इस वाली डिव का है, ठीक है, और वो ऊपर वाला इस वाली डिव का है। अब इन दोनों के बीच में जो मार्जिन बनेगी वो कैसे बनेगी, तो मान लो मैं इसको यहाँ से इस वाले को सिलेक्ट करता हूँ, एक सेकेंड मेरे को देना, ये ठीक है। और अब देखो बीच में जो स्पेस आ गया है ये देखो, ये हमारी कहलाएगी मार्जिन। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो हमारे बीच में स्पेस आ गया है जहाँ पे मैं ये रफ कर रहा हूँ ये हमारी मार्जिन कहलाएगी, ये हमारी बीच में ये मार्जिन है, ठीक। इसी तरीके से हम लोग अब कोड में समझने वाले हैं कि मार्जिन क्या होती है। ये जो दो बॉर्डर के बीच में गैप है, ये मेरा कर्सर सीधा जाएगा, ये जो दो बॉर्डर के बीच में गैप है ये मार्जिन कहलाती है। और पैडिंग क्या कहलाती है, कंटेंट और बॉर्डर के बीच की दूरी पैडिंग कहलाती है, चाहे वो लेफ्ट हो राइट हो ये पैडिंग कहलाएगी। और दो बॉर्डर के बीच में जो गैप है ये आपकी ये आपकी मार्जिन कहलाएगी, ठीक है। मतलब कंटेंट और बॉर्डर के बीच की दूरी आपकी पैडिंग कहलाएगी और दो बॉर्डर के बीच की दूरी आपकी मार्जिन कहलाएगी। तो चलिए अब इस चीज़ को कोड में समझते हैं। हम लोग आते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। और कल तक आप लोगों ने देखा कि मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ बनाया था डिव टैग के अंदर, ठीक है, डिव टैग के अंदर मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ बनाया था और उसमें मैंने एक आईडी दी थी P1। ये देख लो आप, यहाँ पे एक डिव टैग बनाया, उसमें एक आईडी दी P1 और यहाँ पे ये पैराग्राफ बना हुआ है, ये डिव टैग है। इसको अगर मैं स्टाइल CSS वाली फाइल को खोलूँ तो मैंने यहाँ पे एक बॉर्डर बना के आपको दिखाया था जिससे आपको समझने में आसान हो, ठीक है। मैंने कहा था इस पे आपको फोकस नहीं करना है, बॉर्डर को मैंने यहाँ पे कलर दे दिया था। कलर जनाब इसलिए दे दिया है कि जिससे आपको समझ में आए कि डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने बॉर्डर को 2 पिक्सल सॉलिड रेड कलर दिया था और इसकी पैडिंग देखो मैंने दी 25 पिक्सल, देखो 25 पिक्सल, यहाँ पे 50 पिक्सल, ये 25 पिक्सल कौन सी है, टॉप की, फिर राइट की, फिर ये आपकी बॉटम की और ये लेफ्ट की, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये इसकी मार्जिन है, टॉप, यहाँ पे राइट, बॉटम और ये लेफ्ट, और ये इसका बॉर्डर है। ये बॉर्डर किसका है, ये है डिव वन का, ठीक। अब हम लोग इसी तरीके से 3 डिव और बनाने वाले हैं, ठीक है। तो अब 3 डिव बनाएंगे तो जो हम लोगों ने यहाँ पे CSS अप्लाई की है बॉर्डर की, तो ये तो आईडी पे अप्लाई है, तो हम लोग इसको आईडी से क्लास में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि आईडी सिर्फ एक ही बार दी जा सकती है, क्लास मल्टीपल टाइम भी दी जा सकती है। तो हम लोग यहाँ पे आईडी के बजाय क्लास कर देते हैं, ठीक। अब इतना समझ में आया, अब हम लोग इसको कर लेंगे कॉपी, ठीक, यहाँ से किया कॉपी। अब हम लोग थोड़ा सा स्पेस ले लेके चीज़ों को समझेंगे जिसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो अब एक ये डिव वन है, डिव वन, और एक ये डिव टू, तो कितने ब्रैकेट बनेंगे, सॉरी कितने बॉर्डर बनेंगे, दो बॉर्डर बनेंगे। एक और बॉर्डर बनाते हैं जिससे और हम लोग को थोड़ा सा डिफरेंस पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पेस्ट किया, अब टोटल देखो कितने डिव हैं, एक डिव, ठीक, दो डिव, ठीक, 3 डिव, और देखो तीनों के अंदर कंटेंट, देखो ठीक, तीनों के अंदर कंटेंट मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो कितने बॉर्डर बनेंगे, एक बॉर्डर, दो बॉर्डर, 3 बॉर्डर, क्या ये बन रहे हैं, चलिए आके देखते हैं। बिल्कुल यहाँ पे ये बन रहे हैं, ठीक है, ये ऊपर एक बॉर्डर बन रहा है, ये 2 बॉर्डर, ये 3 बॉर्डर। देखो मार्जिन तो सब में अपनी अपनी परफेक्ट आ रही है, क्योंकि मार्जिन हम लोगों ने तीनों की दे रखी है क्लास के अंदर, ठीक है, सॉरी पैडिंग दे रखी है हम लोगों ने क्लास के अंदर, मार्जिन देनी है। तो पैडिंग हम लोगों ने क्या दी है तीनों की, 25 पिक्सल टॉप पे, 50 पिक्सल राइट पे, 30 पिक्सल बॉटम पे और 70 पिक्सल लेफ्ट पे। क्या ये आ रही है, बिल्कुल तीनों पे आ रही है, देखो 25, 50, 30 और यहाँ पे कितना था लेफ्ट में 70, ठीक है, तो ये आ रही है। अब देखो यहाँ पे 3 जब बॉर्डर बन चुके हैं तो तीनों के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है, तो ये गैप कैसे बनेगा, ये बनेगा मार्जिन प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो मार्जिन प्रॉपर्टी का यूज़ कैसे करते हैं, तो मान लो हम अप्लाई करेंगे मार्जिन इस बीच वाले डिप में, मतलब बीच वाले बॉर्डर में अगर हम लोग मार्जिन को अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक हम लोग को डिफरेंस पता चल जाएगा। तो मार्जिन अप्लाई करने के लिए हम लोग आते हैं ये बीच वाली डिप जो है, बीच वाला जो बॉर्डर है, इसमें एक आईडी बना लेते हैं।
आईडी इसलिए बनाएंगे कि मार्जिन प्रॉपर्टी हम लोग अगर आईडी में अप्लाई करेंगे तो सिर्फ इसमें बीच वाले में अप्लाई होगी, ऊपर और नीचे वाले में अप्लाई नहीं होगी और हम लोग को अप्लाई करना भी नहीं है। पर अगर हम लोग क्लास में मार्जिन देते तो तीनों में अप्लाई हो जाती, इसलिए हम लोग आईडी बनाएंगे। ठीक है, तो ये बनाया आईडी। अब देखो मैं यहाँ पर इतना एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने डिव टैग क्लास और आईडी के बारे में पढ़ा रखा है, क्योंकि अगर एचटीएमएल में आपने इन्हीं चीज़ों को नहीं पढ़ा है तो फिर सीएसएस पढ़ना आपके लिए बेकार है। आप जाइए पहले मेरा एचटीएमएल का कोर्स देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। अगर डिव क्लास आईडी में आपका डाउट क्लियर है तो आप यहाँ पे हर चीज़ मेरी पॉसिबल समझ पा रहे होंगे और कोई भी डाउट आपको नहीं होगा, ये 100% मैं कह सकता हूँ। अब आईडी में हम लोग यहाँ पे एक नाम दे देंगे, आईडी में कुछ भी नाम दिया जा सकता है। मान लो मैं यहाँ पे एमआरजी नाम दे दिया, ठीक है, मार्जिन है तो एमआरजी नाम दे दिया। अब स्टाइल डॉट सी एस एस पे आते हैं और यहाँ पे हम लोग स्पेस लेके एक आईडी बनाएंगे। तो आईडी के लिए आईडी सिलेक्टर का यूज़ करेंगे, हैश लगाया एमआरजी। अब बहुत से लोग का क्वेश्चन होगा कि ये क्या लिखा है, ये सिलेक्टर क्या होता है, तो इसका मतलब उन्होंने मेरे सी एस एस का कोर्स स्टार्टिंग से नहीं देखा है। तो भाई जाओ स्टार्टिंग से देखो, तब सारी चीज़ें एक एक क्लियर होंगी, क्योंकि बीच से देखोगे तो अधूरा ज्ञान आपको कभी भी कुछ पूरा सिखाएगा नहीं, इसीलिए आपको मैंने सब स्टार्टिंग से बेसिक से सब सिखा रखा है। अब मार्जिन में हम लोग समझते क्या है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं और देखिए अभी भी कोई यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ा आईडी देने से, सॉरी इसको खोलते हैं, अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब देखो यहाँ पर हम लोग जैसे ही मार्जिन लिखते हैं, मार्जिन टॉप, सबसे पहले टॉप से मार्जिन देंगे कितनी, 50 पिक्सल दे सकते हैं। और देखो कोई भी वैल्यू है जो पिक्सल में दी जा सकती है वो परसेंटेज में भी दी जा सकती है, आपको पता है मैं पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पर आते हैं विथ और हाइट वाले में मैंने समझाया था ये चीज़ कि पिक्सल और परसेंटेज दोनों में दी जा सकती है। तो देखो ऊपर वाले बॉर्डर से नीचे वाले बॉर्डर में स्पेस आ गया है, आ गया या फिर नहीं आया मुझे आप खुद बताओ देख के कि क्या ऊपर वाले और नीचे वाले में स्पेस आया है। चलिए मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, हाईलाइटर से इसको यहाँ पर मैंने कलर उठाया और इस पर मैं पेंसिल पर गया। अब देखो यहाँ पर रेड कलर सेलेक्ट या फिर येला कलर सेलेक्ट किया, तो ये जो है ये हमारी मार्जिन है। ठीक है, ये मार्जिन कौन सी है, ये टॉप की मार्जिन। ठीक है ना, टॉप में हम लोग ने कितनी मार्जिन दी है, यहाँ पे टॉप में हम लोग ने दी है यहाँ पे जनाब 25 पिक्सल आई होप दी है, शायद कितनी दी है, 50 दी है। ठीक है ना, 50 पिक्सल हम लोग ने यहाँ पे दी है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर आते हैं, तो ये आप जो देख रहे हो ये हमारी 50 पिक्सल टॉप में मार्जिन है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग चीज़ों को देते हैं, टॉप की मार्जिन अब आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको बॉटम की और बाकी मार्जिन समझाने वाला हूं। ठीक है, तो इसको कर देते हैं साइड में। अब देखो यहां पर आते हैं या फिर इसको इस तरीके से कर लेते हैं और अब आते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पर। ठीक, अब यहां पर हम लोग को करना क्या होगा, बॉटम की मार्जिन समझनी होगी कि बॉटम में कैसे देंगे। तो जिस तरीके टॉप में आपने दिया था उसी तरीके बॉटम में मार्जिन लिखेंगे, हाइफन का निशान लगाएंगे, बॉटम लिखेंगे और यहाँ पर हम लोग वैल्यू कितनी देंगे, वैल्यू दे देंगे मान लो दे देते हैं 20 पिक्सल। ठीक है, कम दे देते हैं थोड़ी सी नीचे 20 पिक्सल। तो क्या गैप बना, आके देखते हैं, तो देखो बीच में गैप बन गया। तो ये देखो ऊपर वाला बॉर्डर एक ऊपर चला गया, नीचे वाला नीचे आ गया और ये देखो बीच में गैप बन गया। तो ये आपका बीच वाला जो बॉर्डर है ये पूरा, तो देखो इसके बीच में गैप बन गया ऊपर और नीचे। ठीक है, तो ये ऊपर वाला टॉप की मार्जिन से बना और नीचे जो गैप बना वो बॉटम की मार्जिन से बना। अब लेफ्ट और राइट की भी देख लेते हैं क्या ऐसा होता है। तो हम लोग मार्जिन दे देते हैं सबसे पहले लेफ्ट की, तो मार्जिन लेफ्ट में हम लोग मान लो दे देते हैं इसको कुछ नहीं तो 60 पिक्सल। ठीक है, 60 पिक्सल दे देते हैं क्योंकि एक ये मतलब नॉर्मल इतनी होती ही है। ठीक है, और मार्जिन राइट भी दे देते हैं लगे हाथ, तो आपको समझ में डिफरेंस आ जाएगा। अब मार्जिन राइट हम लोग परसेंटेज में दे देते हैं, तो मान लो 15% दे देंगे। ठीक है, 15%। ठीक है, तो उसको आप परसेंटेज में भी दे सकते हो, पिक्सल में भी दे सकते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अब देखो ऊपर से टॉप से मार्जिन आ गई 50 पिक्सल। ठीक है, और नीचे से हम लोग बॉटम में जो 20 पिक्सल दिए थे तो ये देखो 20 पिक्सल आ गई। ठीक है, फिर राइट फिर लेफ्ट में हम लोग ने दिए थे 60 पिक्सल, देखो तो ये 60 पिक्सल यहाँ पे आ गई। ठीक है, लेफ्ट में इधर से फिर यहाँ पर उन्होंने 15% दी थी तो देखो 15% आ गई। पिक्सल से ज़्यादा परसेंटेज वैल्यू ज़्यादा कवर करती है और परसेंटेज आप 100 तक ही दे सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते हो। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से चारों तरफ से हम लोग ने इसको मार्जिन दे दी है। और मार्जिन क्या होती है फिर रिपीट कर देता हूँ कि जब आपके पास डबल एलिमेंट होते हैं मतलब डबल टैग होते हैं तो फिर डबल बॉर्डर भी होंगे। तो जब डबल बॉर्डर होंगे तो उनके बीच में जब हम लोग को स्पेस देना होता है, गैप देना होता है, तो वो मार्जिन कहलाती है।
कंटेंट और बॉर्डर के बीच का गैप आपकी पैडिंग कहलाती है, और दो बॉर्डर के बीच का गैप आपकी मार्जिन कहलाती है। ठीक है, इतना आप चीज़ समझ चुके होंगे। अब यहाँ पे आते हैं, जिस तरीके मैंने आपको पैडिंग वाले लेक्चर में बताया था कि हम लोग इस तरीके से फुल फॉर्म में इसको दे रहे हैं, मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, लेफ्ट राइट, है ना, इसी तरीके से हम लोग इसको शॉर्टकट में भी दे सकते हैं। तो चलिए, शॉर्टकट में मैंने आपको पैडिंग में तो वैसे समझा दिया था कैसे दिया जाता है, पर इसमें भी समझाऊंगा, हो सकता है कोई नए लोग आए हो तो उनको भी समझ में आएगा कि इसको शॉर्टकट में कैसे देते हैं। एंटर आए, एंटर आने के बाद में यहाँ पे हम लोग ने लिखा मार्जिन। मार्जिन लिखने के बाद में जनाब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो वैल्यू देंगे, मान लो 25 पिक्सल दे देंगे। ठीक है, तो अभी ये जो 25 पिक्सल दी है जनाब, ये हमारी क्या होगी, ये चारों तरफ 25 पिक्सल अप्लाई होगी, ऊपर से 25, नीचे से 25, दाएं से 25, बाएं से 25। ठीक है, जब हम लोग यहाँ पे 25 के बाद में एक और वैल्यू दे दें, मान लो 25 के बाद हम लोग दे दें यहाँ पे 12 पिक्सल, ठीक है ना, हम लोग यहाँ पे दे देते हैं 12 पिक्सल। ओके, तो अब देखो ये जो 25 पिक्सल थी, ये टॉप और बॉटम की हो जाएगी मार्जिन, टॉप और बॉटम में 25 पिक्सल आएगी और राइट और लेफ्ट में 12 पिक्सल आएगी। जब आप डबल वैल्यू देते हो तो जो फर्स्ट वाली होती है वो टॉप और बॉटम की सिलेक्ट करती है, और ये जो सेकंड वाली होती है लेफ्ट और राइट को सिलेक्ट करती है। तो देखो ये टॉप और बॉटम में 25 पिक्सल और लेफ्ट राइट में 12 पिक्सल आ रही है। ठीक, अब जब यहाँ पे आप आते हो विजुअल स्टूडियो कोड पे, और यहाँ पे आप चार बार वैल्यू देते हो, चार वैल्यू देते हो, मान लो मैं यहाँ पे दे दूँ 40 पिक्सल, ठीक है, 40 पिक्सल, और फिर मैं दे दूँ यहाँ पे 60 पिक्सल, ठीक है, तो 60 पिक्सल 60 पिक्सल। तो अब क्या होगा कि जो फर्स्ट वाली है ये टॉप की वैल्यू हो गई, सेकंड वाली हो गई राइट की वैल्यू, थर्ड वाली हो गई बॉटम की वैल्यू, फोर्थ वाली हो गई लेफ्ट की वैल्यू। ठीक, देख लो पैडिंग भी हम लोगों ने इसी तरीके दे रखी है, टॉप राइट फिर बॉटम, बॉटम में कितनी दी है 30, यहाँ पे एक सेकेंड इसको यहाँ पे कर लेते हैं, ओके मैंने यहाँ पे सही कर लिया है। देखो टॉप, फिर ये यहाँ पे आपकी राइट, फिर 30 बॉटम, और ये 70 लेफ्ट। तो हम लोग क्लॉक वाइज चीज़ों को चलते हैं। अगर आप हो सकता है कन्फ्यूज हो रहे हो कि ये वैल्यू किस तरीके दी जाती है, एक ऑर्डर होता देने का, तो आप घड़ी को देख लो, घड़ी किस ऑर्डर में चलती है, सबसे पहले टॉप पे जाती है, फिर राइट पे जाती है, फिर बॉटम पे जाती है, फिर लेफ्ट पे जाती है। इस तरीके घड़ी की जो मिनट वाली सुई या सेकंड वाली सुई होती है वो चलती है, तो आपको इसका ऑर्डर याद हो जाएगा, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। ठीक, तो अब यहाँ पे आते हैं, तो इस जगह पे इसको यहाँ पे देखो, ठीक है, तो ये टॉप राइट बॉटम लेफ्ट हम लोग ने देखो टॉप में दिया है सबसे पहले 25 पिक्सल, फिर 12 पिक्सल राइट में दिया है, तो टॉप में आया 25 पिक्सल और राइट में आया 12 पिक्सल। ठीक है, फिर हम लोग ने यहाँ पे बॉटम में दिया है 40 पिक्सल और लेफ्ट में दिया है 60 पिक्सल, तो फिर यहाँ पे 40 और फिर 60 लेफ्ट में। ठीक है, तो ये आप समझ चुके होंगे, ये था शॉर्टकट। तो शॉर्टकट वैल्यू आपको आनी चाहिए, क्योंकि डे बाय डे जब आप चीज़ों को यूज़ कर रहे होते हैं तो आपको हैबिट में शॉर्टकट ही लेकर आना है। आप लॉन्ग चीज़ें करते हो, मान लो देखो स्टार्टिंग में क्या होता है, हर कोई याद नहीं कर सकता है, ठीक है ना, शॉर्टकट का ऑर्डर इतनी जल्दी याद नहीं होता, कन्फ्यूज हो जाता है, तब आप ये फुल फॉर्म यूज़ करो, पर धीरे 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 प्रैक्टिस में शॉर्टकट को लेकर आओ। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग ये समझेंगे कि जिस तरीके से देखो यहाँ पे मार्जिन हम लोग ने दी है, तो मार्जिन हम लोग यहाँ पे माइनस में भी दे सकते हैं, जबकि पैडिंग हम लोग माइनस में वैल्यू को नहीं दे सकते। जैसे ये वैल्यू अभी हम लोग ने दी है यहाँ पे 25, 12, 40, 60, तो ये सब जनाब यहाँ पे आपकी है मार्जिन जो दी गई है, ये प्लस वैल्यू में है, पर हम लोग इनको माइनस में भी दे सकते हैं, पर पैडिंग में जो ये ऊपर पैडिंग जो दी गई है इनको माइनस में नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं? अब कंटेंट जो है इसको क्या बॉर्डर से बाहर निकाल दोगे? ऐसा नहीं, पर जो हम लोग बॉर्डर है इसको दूसरे बॉर्डर के अंदर डाल सकते हैं। चलिए उसको एग्जांपल करके दिखाते हैं, आप लोग को जल्दी समझ में आएगा। इस वाली लाइन को यहाँ से हटा देते हैं, और ये जो हम लोगों ने कमेंट कर रखा है, कमेंट का मतलब क्या होता है कि कोड रन नहीं होगा, तो इसको कमेंट आउट कर देते हैं, ये किया कमेंट आउट। ठीक, अब अगर मैं टॉप की वैल्यू जो है इसको जीरो कर दूं, थोड़ी देर के लिए जीरो कर दूं, तो अभी देखो क्या फ़र्क है कि ये वाला और मतलब जो बीच वाला आपका बॉर्डर है और ये ऊपर वाला बॉर्डर है, ये आपस में मिल गया। ठीक है, दोनों आपस में मिल गए। अब मैं चाहता हूं कि जो बीच वाला बॉर्डर है ये टॉप वाले बॉर्डर के अंदर चला जाए, ऊपर चला जाए, तो ये माइनस में वैल्यू देने से होगा। तो चलिए देकर देख लेते हैं, यहाँ पे आएंगे विजुअल स्टूडियो कोड पर, और आने के बाद में यहाँ पे हम लोग माइनस में कितनी वैल्यू दे देंगे, माइनस में देंगे 30, तो पहले लगाएंगे -30 -30 पिक्सल। अब देखो कि जो ये बीच वाला बॉर्डर है ये टॉप वाले बॉर्डर के अंदर चला गया,
बस आप स्क्रीन पे फोकस करिए, बाकी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। कि जो देखिए बीच वाला बॉर्डर था, जो डिव नंबर 2 का बॉर्डर था, ये डिव नंबर 1 के बॉर्डर में चला गया, ऊपर देखिए घुस गया जाके, ठीक है, इस तरीके से। तो हम लोग जब माइनस में वैल्यू देते हैं तो ये ऊपर चला जाता है। तो आपको आई होप समझ में आ रहा होगा कि माइनस में भी वैल्यू देकर चीज़ें की जा सकती हैं। चलिए इसको हम लोग नॉर्मल कर लेते हैं, नॉर्मल 50 कर देते हैं। अब हम लोग यहाँ पर जनाब क्या समझने वाले हैं, अब हम लोग समझेंगे कि जैसे कि ये बॉर्डर है बीच वाला, इसका हम लोग साइज जो ये चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई हम लोग कम करना चाहते हैं। देखो अभी तो हम लोग ने मार्जिन कम या ज़्यादा करना सीखा है, पर इसकी बॉर्डर की चौड़ाई अगर हम लोग कम करें तो कैसे करेंगे। तो आप ये चीज़ शायद अगर आपने अच्छे से मेरे इस कोर्स को देखा होगा तो मैंने विड्थ वाला जो सेक्शन बताया था, विड्थ और हाइट वाला, तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ से हटा लेते हैं, कट कर देते हैं, और हम लोग यहाँ पे देंगे विड्थ। हम लोग ने विड्थ दिया, और विड्थ में क्या देंगे, विड्थ में दे देंगे हम लोग 200 पिक्सल, ठीक है, 200 पिक्सल। और अब देखो इसकी जो चौड़ाई है बॉर्डर की, ये कम हो जाएगी। ये मैंने आपको अच्छे से पढ़ा रखी चीज़ें, अगर आप फोकस से पढ़ रहे होंगे तो आपको आएगा। तो देखो ये चौड़ाई है, ये देखो कम हो गई, और ये जो कंटेंट है ये सिकुड़ के छोटा हो गया। अब ये देखो जो बॉर्डर है, बॉर्डर नंबर 2 है, ये छोटा हो गया साइज में, पर मैं इसको मिडिल में लाना चाहता हूँ, सेंटर पे लाना चाहता हूँ, ठीक है। अभी ये कहाँ पे, लेफ्ट में, मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल सेंटर पे आ जाए। तो ये सेंटर पे कैसे आएगा, तो यहाँ आएंगे, यहाँ आने के बाद में हम लोग इंटर दबाएंगे और यहाँ पे करेंगे मार्जिन। मार्जिन करने के बाद में हम लोग यहाँ पे कर देंगे ऑटो। जैसे ही ऑटो करते हैं तो आप देखो ये सेंटर पे आ गया जनाब, ओके। इस तरीके से ऑटो वैल्यू का यूज़ करके हम लोग इसको सेंटर पे ला सकते हैं। नहीं तो एक तो मैन्युअली तरीका होता कि हम लोग पिक्सल्स में इसको देख कर लाते हैं, तो पिक्सल में बार बार चेक करना पड़ता है, 38-37 के आसपास ये आता जाकर, ठीक है, लेफ्ट राइट में। पर यहाँ पे आपने सिर्फ ऑटो लिखा और सेंटर पे आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि सेंटर पे तो आए, पर ये ऊपर वाले बॉर्डर और नीचे वाले बॉर्डर से थोड़ा थोड़ा गैप में हो। तो गैप में होने के लिए क्या करेंगे, ऑटो के पहले हम लोग वैल्यू दे देंगे। और थोड़ी देर पहले हमने बताई थी जो पहली वाली वैल्यू होती है, ये टॉप और बॉटम की डिसाइड करती है, अगर सिंगल में दी गई है, ठीक है। तो टॉप और बॉटम की मार्जिन डिसाइड करेगी पहली वाली वैल्यू। तो पहली वाली वैल्यू हम लोग कितनी दे दें, मान लो 20 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे इसको रन करते हैं तो देखो टॉप से 20 पिक्सल और बॉटम से 20 पिक्सल स्पेस बन गया है, और ये सेंटर पे भी आ गया है। सेंटर पे आया है ऑटो वैल्यू की वजह से, ये जो ऑटो लिखा है इसकी वजह से आया है, ठीक है, इसकी वजह से। और ये ऊपर नीचे जो स्पेस आ रहा है 20 पिक्सल का, ये इस वजह से आ रहा है कि जब हम लोग फर्स्ट में कोई सिंगल वैल्यू देते हैं तो ये टॉप और बॉटम की मार्जिन डिसाइड करेगी। और सिर्फ मार्जिन नहीं, पैडिंग में भी अगर हम लोग सिंगल सिर्फ 25 पिक्सल देंगे तो मान लो यहाँ पर 2 वैल्यू दी गई है, ठीक है, और बाकी 2 नहीं दी गई है, तो फर्स्ट वाली टॉप और बॉटम और सेकंड वाली लेफ्ट और राइट डिसाइड करेगी। तो ये ऐसे ही जो ऑटो है ये लेफ्ट और राइट डिसाइड कर रही है कि कितना सेंटर पे रखना है, और ये फर्स्ट वाली टॉप और बॉटम की मार्जिन डिसाइड कर रही है जो कि 20 पिक्सल है, ठीक है। इतना आप लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग सबसे ज़्यादा फोकस वाले पॉइंट पे चलने वाले हैं। अब मैं आपको सबसे मेन चीज़ यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखो जो मार्जिन होती है ये आपस में कोलैप्स करती है। कोलैप्स मतलब क्या होता है कि जैसे कि अगर हम लोग आएँ ऊपर वाला जो बॉर्डर है ये कहे कि मैं नीचे से 30 पिक्सल मतलब ऊपर जाना चाहता हूँ, ठीक है, और ये कहे टॉप से मैं थोड़ा सा नीचे आना चाहता हूँ, बीच वाला कहे, तो मान लो नीचे जो ये वाला है ये 50 पिक्सल कह रहा है कि नीचे आना चाहता हूँ, और ऊपर वाला जो है वो कह रहा है 30 पिक्सल मैं ऊपर जाना चाहता हूँ, तो क्या 50 और 30 80 हो जाएगा, कन्फ्यूजन इसमें हो रहा है। अब आप समझ रहे होगे कि यार ये मार्जिन कोलैप जो सर बता रहे हैं ये बहुत डाउटफुल है। तो अभी मैं जब बोल रहा हूँ तब डाउटफुल लग रहा है, अब मैं करके दिखाने जा रहा हूँ सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि मार्जिन कोलैप का मतलब क्या होता है। बस आप मेरी चीज़ों को ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लोग आते हैं index.html में, और जो तीसरा बॉर्डर है div3 इसको हटाते हैं। हटा दिया, इतना क्लियर हो गया, ठीक। अब यहाँ पे आए हम लोग, तो हम लोग को क्या बचा, 2 बॉर्डर बचे। अब हम लोग मान लो यहाँ पर आते हैं फर्स्ट वाले में, और style.css में जो ये विथ और मार्जिन है इसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है, बिल्कुल इसको उन्होंने क्लियर कर दिया। अब देखो क्या बचा है, यहाँ पर 2 बॉर्डर बचे हैं बिल्कुल सेम साइज के और आपस में चिपके हुए, ठीक है। आप समझते हैं मार्जिन कोलैप। तो सबसे पहले मार्जिन कोलैप समझने के लिए हम लोग ऊपर वाले के लिए एक आईडी बनाएंगे। देखो ऊपर वाले के लिए अभी एक आईडी नहीं बनी है,
देखो ये जो फर्स्ट वाली डिव है इसके लिए क्लास तो बनी पर आईडी नहीं बनी, तो आईडी हम लोग को अलग से बनानी पड़ेगी। आईडी इसलिए बना रहे हैं जनाब कि यहाँ पे ये जो कोलैब करेगा तो अलग से इसकी मार्जिन देंगे। अगर हम लोग क्लास के अंदर इसकी मार्जिन दे देते हैं तो ये दोनों एक में ही, मतलब इसमें जो दोगे वही इसमें भी अप्लाई होगा, क्योंकि क्लास का नियम यही होता है कि जितनी जगह सेम क्लास यूज़ हुई है उतनी जगह सेम स्टाइल सीएसएस यूज़ हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग क्लास के अंदर मार्जिन नहीं दे सकते, अलग से आईडी बनानी पड़ेगी। तो आईडी का नाम हम लोग क्या रख सकते हैं, आईडी का नाम मान लो कोलैब हम लोग सीख रहे हैं कि मार्जिन कोलैब जो करती है, तो हम लोग सीएलबी रख देते हैं। आपको एक यहाँ पे मीनिंगफुल नेम रखना होता है तो सीएलबी मतलब कोलैब मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, अब आता हूँ स्टाइल और सीएसएस पे। अभी देखो यहाँ पे कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। अब मैं आता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे जो नई आईडी बनाई है उसको सिलेक्ट करता हूँ। तो आईडी सिलेक्टर का यूज़ करेंगे, हैश लगाएंगे और सीएलबी कोलैब, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट ओपन, एंटर मारा। एक बार और एंटर ले लेते, थोड़ा स्पेस रहेगा। अब मैं अगर यहाँ पे सबसे पहले दूँ मार्जिन बॉटम, तो मैं दूंगा मार्जिन बॉटम, ठीक, मार्जिन बॉटम दिया तो यहाँ पे कितना पिक्सल आना चाहिए, 30। मतलब कि आना नहीं चाहिए, मालूम हम लोग 30 देंगे, ये नहीं होगा कि आना चाहिए, हम लोग 30 देंगे। तो ये देखो 30 पिक्सल ऊपर चला गया, मतलब ये वाला तो अपनी जगह पे है पर ये 30 पिक्सल ऊपर खिसक गया और बीच में स्पेस बन गया। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, इसको हटा देते हैं और कट कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, देखो अभी फिर ये नॉर्मल हो गया। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे दे देते हैं मार्जिन टॉप, हम लोग ने दे दिया मार्जिन टॉप और यहाँ पे दे देते हैं हम लोग 50 पिक्सल। ठीक है, 50 पिक्सल हम लोगों ने दे दिया, तो ये देखो ये नीचे वाले से थोड़ा इधर खिसक आया है। तो बात तो यही है कि चाहे ऊपर वाली चीज़ नीचे से ऊपर खिसके या फिर नीचे ऊपर वाली चीज़ से नीचे वाली खिसके, जगह तो उतनी ही बढ़ेगी। मतलब कहते नहीं कि चक्कू पे अगर कद्दू गिरता तब भी कद्दू ही कटेगा, और कद्दू पे अगर चक्कू गिरती तो तब भी कद्दू ही कटेगा। तो इस चीज़ को हम लोग ड्राॅइंग में यहाँ पर समझते हैं, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे मार्जिन कोलैब होता क्या है। तो मेरे को बस जस्ट 1 सेकेंड दो। ठीक है, मान लो खुद मेरे पास एक यहाँ पे ये गोला है, ठीक है, मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, ये गोला है, ठीक है, इसको मैं पकड़ के, एक ये गोला है, ये दोनों पास में है। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट वाले गोले को पकड़ के ऊपर खींचूँगा इस तरीके से, तो क्या मैं मान सकता हूँ कि ये वाला तो यहीं पर रहेगा पर ऊपर वाला थोड़ा ऊपर चला जाएगा, ठीक, चला जाएगा, तब भी बीच में यही स्पेस बनेगा। पर मान लो यही जो सेम गोला है, इस अब मैं इस वाले को पकड़ के नीचे खींचूँ, मान लो पहले मैं इसको बना लेता हूँ, इसको सेम को, ठीक है, और ये वाले नीचे वाले को पकड़ के खींचूँ, देखो ऊपर वाला तो अपनी जगह पर रहेगा, ठीक है, पर नीचे वाला अपनी जगह से थोड़ा ऐसे आ जाएगा, तो नीचे मार्जिन बन जाएगी। तो बात तो दोनों यही है कि दोनों के बीच में जगह बन रही है। अब ये गोले का मतलब है मैंने यहाँ पर बॉर्डर से लिया है, ठीक है, मैं बॉर्डर बना के दिखा देता हूँ। मान लो ये बॉर्डर है, ठीक, ये एक बॉर्डर है और एक ये बॉर्डर है, ठीक है, ये दो बॉर्डर है। मान लो मैं इसमें जैसे मार्जिन, मैंने कहा मार्जिन जो है बॉटम की वो दे दो 30 पिक्सल, तो जब 30 पिक्सल मार्जिन बॉटम से होगी तो इसका मतलब होगा कि नीचे से 30 पिक्सल ये ऊपर खिसक जाए। तो जब ये 30 पिक्सल ऊपर खिसक जाएगा तो ये देखो मान लो 30 पिक्सल ऊपर चला गया तो और ये यहीं पे रहा अपनी जगह पे, तो दोनों के बीच में स्पेस बना कि नहीं बना, हाँ या ना, ठीक। अब मान लो सेम फिर एक सिचुएशन बनाते हैं कि ये मैंने दोनों बॉर्डर को आपस में जोड़ रखा है। अब मैं नीचे वाले में दूँ, ये नीचे वाले में दे रहा हूँ कि मार्जिन जो है टॉप की वो 50 पिक्सल हो जाए, मतलब ऊपर से नीचे खिसक आए, तो वो ऊपर वाला तो अपनी जगह पर रहेगा, हाँ या ना, ठीक है, ऊपर वाला अपनी जगह पर रहेगा पर जो नीचे वाला है वो वहाँ से थोड़ा खिसक आएगा। तो देखो स्पेस तो दोनों में वही बन रही है, ठीक है, स्पेस तो दोनों में वही बन रही है, इसमें भी देखो वही स्पेस यहाँ पे बन रही है, इसमें भी वही स्पेस बन रही है। पर अब एक सिचुएशन मेरे को ये बताओ कि मान लो मैंने दो बॉर्डर बनाए, ठीक, एक ये फर्स्ट बॉर्डर है, ठीक, फर्स्ट बॉर्डर और एक ये सेकंड बॉर्डर है, ठीक, सेकंड बॉर्डर। अब मैं यहाँ पे कलर को थोड़ा सा चेंज करूँ। अब फर्स्ट वाले में मैंने कहा कि जो मार्जिन है वो बॉटम से 30 पिक्सल खिसक जाए, ठीक, तो ये जो 30 पिक्सल है तो ये फर्स्ट वाला जो है यह मेरी समझ से 30 पिक्सल ऊपर चला जाना चाहिए, ठीक है, ये 30 पिक्सल ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और ये मैंने कहा दूसरे वाले से, अब मैं दूसरे वाले से कहूँगा कि जो मार्जिन है वो टॉप से 50 पिक्सल नीचे आ जाए, तो अब मान लो ये टॉप से 50 पिक्सल नीचे आएगी, तो मान लो 30 तो पहले ये यहाँ था तो 30 ही ऊपर चला गया,
अब इस जगह से देखो ये 30 ऊपर चला गया और अब ये 50 नीचे आ रहा है, तो ये जो है 50 नीचे आएगा तो टोटल जो गैप बनेगा वो कितने का बनेगा मेरे को ये बताओ अंदाजा, ठीक है, ये जो गैप बनेगा टोटल कितने का बनेगा। तो टोटल आप कहोगे भाई गैप जो बनेगा, तो ये 30 ऊपर गया, ठीक है, ये ऊपर 30 चला गया और ये नीचे 50 नीचे चला गया। तो जब कोई चीज़ बीच की एरिया से 30 ऊपर चली गई और 50 नीचे आ गई तो 30 प्लस 50 इक्वल टू 80, मतलब 80 पिक्सल का गैप बन गया यहाँ पे। ये जो गैप है टोटल, ये गैप ये हमारा 80 पिक्सल का होएगा, हाँ या ना, आप ये कहोगे, पर ऐसा नहीं होता है जनाब, इसी को कहते हैं मार्जिन कोलैप, ठीक, इसी को कहते हैं मार्जिन कोलैप, कि जब आप इसको 30 पिक्सल ऊपर घसीटोगे और इसको 50 नीचे घसीटोगे तो जो ज़्यादा वैल्यू होगी, मान लो 50 ज़्यादा है तो सिर्फ 50 का गैप बनेगा, 80 का गैप नहीं बनेगा, वो फिर 30 नहीं, वो 30 की मान्यता नहीं रह जाएगी, इस 50 की मान्यता रहेगी। तो ये 30 की कोई मान्यता नहीं है, सिर्फ 50 रहेगी, और ये गैप है ये सिर्फ 50 पिक्सल रहेगा, ना कि 80 पिक्सल रहेगा, ठीक। तो आप समझ गए होंगे कि अगर हमारे पास दो चीज़ें हैं, दो ब्रैकेट हैं, दो बॉर्डर हैं, और एक को हम ऊपर 30 पिक्सल से घसीट रहे हैं और एक को नीचे 50 पिक्सल से घसीट रहे हैं, तो दोनों के बीच में जो गैप आएगा वो सिर्फ 50 पिक्सल का आएगा, ना कि 80 पिक्सल का आएगा। तो आप ये मत सोचना कि 30 प्लस 50 कर दें तो 80 पिक्सल का गैप बनेगा, ठीक। तो आप ये समझ गए होंगे कि ऊपर नीचे घसीटने पे यहाँ पे 80 पिक्सल का नहीं 50 का रहेगा, जो ज़्यादा वैल्यू रहेगी वो रहेगा। अगर यहाँ पे 30 की बजाय यहाँ 60 होता तो यहाँ पे 60 होता, फिर 50 ना होता, ठीक। पर ये जो रूल है, ये रूल सिर्फ अप्लाई होता है अप और डाउन में, ठीक है। अगर कुछ ऊपर और नीचे की जा रही है, ऊपर मार्जिन और नीचे मार्जिन दी जा रही है, टॉप और बॉटम की मार्जिन दी जा रही है, तब ये रूल अप्लाई होता है कि जो हाई वैल्यू होगी, जो हाई वैल्यू होगी उतना ही ये खिसकेगा, हाई वैल्यू जितना, ठीक है, हाई वैल्यू जितना ही खिसकेगा। मान लो 50 हाई थी तो 50 पिक्सल ही खिसकेगा। पर ये चीज़ आपकी जनाब मैं बता दूं, इसमें अप्लाई नहीं होगी लेफ्ट और राइट में। अगर मान लो ये एक ब्रैकेट है और एक ये ब्रैकेट है, ठीक है, इसको मैं लेफ्ट और राइट में घसीट लूँ, या फिर एक ये ब्रैकेट है, ठीक है, इसको लेफ्ट और राइट में घसीट लूँ, तो ये चीज़ अप्लाई नहीं होगी। फिर ये क्या है कि अगर 30 इधर से घसीटा जा रहा है और 50 उधर से घसीटा जा रहा है, तो बीच में कितने का गैप बनेगा, 80 का। फिर ये नहीं होगा कि 50 पिक्सल वाला ज़्यादा होगा ये तो वही आएगा, ऐसा नहीं होगा, फिर 80 पिक्सल का गैप बनेगा। मतलब ये समझते हैं कि अगर हमारे पास दो ब्रैकेट हैं और उनको टॉप और बॉटम से एक ही वैल्यू मिल रही है, उसको कह रहे हैं कि बॉटम से 30 पिक्सल स्पेस दो और इसको कह रहे हैं टॉप से 30 पिक्सल स्पेस दो, ठीक है, टॉप से 50 पिक्सल स्पेस दो, तो दोनों के बीच में जो स्पेस आएगी वो ज़्यादा वाली वैल्यू आएगी, 50 वाली, ना कि 50 और 30 80 आएगी, ठीक है। पर अगर यही चीज़ हम लोग लेफ्ट और राइट में कर दें, लेफ्ट और राइट में ब्रैकेट है, इसको इधर से 30 घसीटा जाए और इधर से 50 घसीटा जाए, तो अब ऐसी सिचुएशन में 80 पिक्सल का गैप बनेगा, ना कि ये होगा कि 50 का बनेगा। तो आई होप आप मेरी इस बात समझ गए होंगे, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अभी इस चीज़ को हम लोग चलिए प्रैक्टिकल समझ लेते हैं थोड़ा, मैंने इसलिए यहाँ पे ड्राइंग में आपको समझा दिया। देखो मैंने मार्जिन से टॉप से कहा 50 पिक्सल, तो उसने ऊपर से 50 पिक्सल ही नीचे खिंचाया है, ठीक है। अगर मैं यही चीज़ हटा दूँ और इसको देखो यहाँ से मैंने कट कर दिया और यहाँ पर कह दूँ इस वाली पर आकर मार्जिन जो है बॉटम की वो 30 पिक्सल खिसक जाए, तो बात तो वही है कि ऊपर से 30 घसीटोगे तब भी वो तो नहीं जाएगा और नीचे से घसीटोगे तब भी वो ऊपर ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, देखो एक सेकंड, ये रन क्यों नहीं हुआ, 30 पिक्सल नहीं डाला था इस वजह से, पिक्सल, ओके। अब देखो यहाँ पे आते हैं, देखो ये ऊपर चला गया 30 पिक्सल, और अब मैं कहूँ इसको भी 50 नीचे घसीट लो, देखो ये 30 तो ऊपर चला गया, अब मैं इसको भी 50 नीचे घसीटूंगा, तो आप सोचोगे यहाँ 80 का गैप बनेगा, तो 80 का गैप नहीं बनेगा। चलिए इस चीज़ को लाइव समझते हैं, एंटर दबाया और मैंने कहा मार्जिन जो है उसको दे दो, यहाँ पर जो मार्जिन है वो दे दो 50 पिक्सल, तो आप सोचोगे 30 ऊपर गया और 50 नीचे आया तो बीच में गैप कितने बनेगा, 80 का, जबकि ऐसा नहीं है, 80 का गैप नहीं बनेगा, यहाँ बनेगा 50 का, जो हाई वैल्यू होगी वो बनेगा। अगर मैं मान लो यहाँ पर 30 कर दूँ, ठीक है, यहाँ 30 कर दूँ और ऊपर 60 कर दूँ, ठीक है, ऊपर कर दूँ 60, तो देखना ऊपर वाली वैल्यू होगी, 60 पिक्सल का गैप आएगा,
देखने को, अब 60 पिक्सल का गैप आ गया। तो ये चीज़ आप समझ सकते हो कि जो ज़्यादा वैल्यू होगी उतना ही यहाँ पे गैप बनेगा, ये आपस में मार्जिन कोलैप करेंगी। जब दोनों से सेम सिचुएशन कहोगे कि बॉटम से ऊपर घसीटो और टॉप से नीचे घसीटो, तो बात तो वही भाई कि दोनों चीज़ में सेम कमांड है, दोनों में मार्जिन आपस में कोलैप करेंगे, जो ज़्यादा वाली वैल्यू होगी उतना ही वो स्पेस बनेगा। ये नहीं कि 60 है और ये 30 है तो यहाँ पे 90 हो जाएगा, ये चीज़ आप समझ चुके होंगे। ये सिर्फ टॉप और बॉटम के साथ होता है, लेफ्ट और राइट के साथ नहीं होगा। अगर यही चीज़ मैं यहाँ पे लेफ्ट कर दूँ और यही चीज़ यहाँ पे राइट कर दूँ तब 90 पिक्सल का गैप बनेगा, ठीक है, तब 90 पिक्सल का गैप बनेगा। आई होप आप समझ गए होंगे। ये मार्जिन के अंदर मैंने ए टू जेड सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दी हैं, पूरा मार्जिन आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट में सिर्फ हो सकता है मार्जिन कोलैप में कहीं हल्का से डाउट हो, वो भी मैंने पूरी तरीके अपनी तरफ से पूरी सॉल्व करने की कोशिश करी है, ड्राइंग में भी समझा दिया है और ऐसे भी प्रैक्टिकल करके दिखा दिया है। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको आंसर दे दूंगा। और आज का ये सेशन कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छा लगा, आप मेरे को मोटिवेट करना चाहते हो तो एक लाइक कर दे, जिससे थोड़ा मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है और ऐसे कंटेंट लाने के लिए। और ऐसे ही कोडिंग कोर्सेस आप सीखना चाहते हैं HTML, CSS, JavaScript, C लैंग्वेज के, तो आप इस चैनल को कर ले सब्सक्राइब बेल आइकन के पास, जिससे आने वाले इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस एंड कोर्सेज की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगी। आज की वीडियो में जनाब इतना ही था, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।